विपक्ष के लोगों के पास सीटें कम आ रही हैं, इस नाते वो बौखला रहे हैं, और एनडीए गठबंधन के पास जनता विकास के नाम पर। देखिए, कल तक कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार, बसपा की सरकारें जब केंद्र में भी मिली जुली थी, प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी, तो इन लोगों के राज में अनाज गोदामों में सड़ते थे। इन मोदी जी के राज में 80 करोड़ लोगों तक वही अनाज पहुंचाया जा रहा है जो गोदामों में सड़ रहा था। जनता खुश होकर के मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। मैं तो गांव में गया, गांव में मैं जैसे जो बुजुर्ग नहीं पहचान पाते हैं, 60 साल 65 साल के हैं, 70 साल के, उन्हें पूछा कि बाबूजी वोट के दिया था, बाबूजी कौन पार्टी से हुआ, उनके बाबूजी हम लोग ऐसा सर्वे करे थे, कहा बाबूजी हम लोग मोदी जी को, हम फूल वाला ही बाबू, हमने फूल का वोट दे। मतलब ये ओपन मतदाता इस बात को कह रहा था। तो अब आप सोचिए ये लोग क्या किए हैं। इन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों को सिर्फ नफरत देकर के लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए, ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके घर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। ये कभी पहली बार देश की आजादी में जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, पहली बार मुसलमानों के लिए मोदी जी योगी जी के राज में 51 बच्चे IAS पास हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ देश में। क्या बोलेगा कोई, ये मुसलमान को दिमाग में लोगों ने फितूर भर दिया नफरत, और मोदी जी योगी जी चाहते हैं भाईचारा मिलत। 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। ये हताशा और निराशा है इन लोगों की जो भी बोल रहे हैं। जब पानी सूखता है तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं, जब तालाब में पानी सूखता है ना तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। अभी तो 4 को गिनती होनी है ना। हम 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, अभी लोगों का पता है, अभी गिनती नहीं हुई है, हम 8 जून की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये लोग भ्रम में हैं, ये लोग तैयारी करें, और कुछ करना नहीं है। ये जितना चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग नारा लगा रहे थे ना कि खटाखट 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 बोल रहे थे ना, 4 जून को देखिएगा ये खटाखट खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट खटाखट भागेंगे सब। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग नफरत सिखाए हैं। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आजादी के बाद, उसको आज 1% पर लाकर किसने खड़ा किया, बीजेपी ने किया है, यही कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने किया है। बहुत हिमायती सपा बनती है ना, बहुत वोट देते हैं मुसलमान, किसी मुसलमान लीडर के पास औकात नहीं है। अगर वो अपने माँ बाप का पैदा है तो पूछ ले अखिलेश से कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को हिस्सा दिया, पूछेगा, औकात नहीं है उसकी पूछने की। लीडर बनता है, शोषण हो रहा है समाज का, चाहे लेखपाल की भर्ती, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती, BDO की भर्ती, CDO की भर्ती, भर्ती में कहीं मुसलमान को दिया हिस्सा 5 साल में, क्या दिया है मुसलमानों को, नफरत देते हैं सब। सिर्फ कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं, नफरत देते हैं, उनको जो है बेवकूफ समझते हैं ये लोग, और मोदी जी उनको हक देते हैं, हिस्सा देते हैं।